टीवी जगत से बुरी खबर सामने आ रही है। फेमस क्राइम शो सीआईडी के फेडरिक्स का किरदार निभाने वाले एक्टर दिनेश फडणीस का कल रात यानी कि 4 दिसंबर को निधन हो गया। जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक्टर की कल रात करीब 12 बजे मौत हुई। उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया था और उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो सीआईडी की पूरी स्टार कास्ट इस समय उनके घर पर है और बताया जा रहा है कि दिनेश की हालत गंभीर थी और वे वेंटिलेटर के सपोर्ट पर थे। वो लीवर डैमेज की समस्या से जूझ रहे थे। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि एक्टर को दिल का दौरा पड़ा है और जिसे दयानंद शेट्टी ने खारिज कर दिया और बताया कि उनका लीवर डैमेज है। और उनके करीबी दोस्त दयानंद ने बताया है कि ये सच है कि वो अब नहीं रहे और इसको लेकर अब हर जगह काफ़ी समय उदासी छाई हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी एक छोटी सी बेटी तनु है। दिनेश फडणीस को शो में फेडरिक्स नाम से जाना जाता था। उन्हें सबसे फेमस शो सीआईडी में काम किया है जो कि भारतीय टेलीविजन पर नंबर 1 था। वो एक घरेलू नाम बन गए थे और दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट दिया है और जिस तरह से बच्चों के दिलों में उन्होंने एक खास जगह बनाई, वो काफ़ी ज़्यादा एक अलग खास जगह उन्होंने बच्चों में बनाई थी। सबसे फेमस टेलीविज़न शोज़ में से एक था सीआईडी और उसे काफ़ी ज़्यादा देखा जाया था। और बता दें कि जिस तरह से फेडरिक्स बच्चों के फेवरेट हुआ करते थे उसी तरह ये शो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और हर घरों में सीआईडी शो चला करता था। ये सबसे हसमुख किरदार बताए जाते हैं इस शो के। हालांकि उनका आज निधन हो गया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी लोग उनके घर पर मौजूद हैं। सीआईडी के जो स्टार कास्ट है वो भी उनके घर पर मौजूद है। फिलहाल सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है।